हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए इसे एक साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। तो ये वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 41। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यानी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, केंद्र सरकार की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इट्स पावर एक्सटेंड टू द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ। यानी कि इसके ये उन मैटर्स पे इसके पावर कंसिडर होते हैं जिस पे पार्लियामेंट के पास अधिकार है उस पर लॉ बनाने का। एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन मस्ट हैव लेजिस्लेटिव सैंक्शन। और हर एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी में आते हैं उनका हर एक्शन को सैंक्शन, उस एक्शन पे सैंक्शन कौन लगा सकता है, उस पर रोक कौन लगा सकता है, तो सिर्फ लेजिस्लेटिव। तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली स्टेटमेंट जो पहला है वो उसका आंसर मौजूद है आर्टिकल 73 में। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट वायलेट द लेजिस्लेशन, यानी कि एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेशन का, लेजिस्लेटिव है किसी भी, तो कहने का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेशन का जो मतलब उन्होंने कोई भी तरीके का आदेश दिया तो उसको नकार नहीं सकता है, लेकिन उसको हमेशा मानना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नीति आयोग का गठन। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, स्टेशन लोकेटेड इन द माउंटेंस हैव अ ग्रेटर डेली टेम्परेचर रेंज देन डू स्टेशन एट लोअर एलिवेशन। कहने का मतलब जो माउंटेंस पर स्टेशंस होती हैं उसके टेम्परेचर कई बार दिन भर में चेंज होते हैं, बट जो लोअर पे है उन पे ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्लाउड रिड्यूस द डेली टेम्परेचर रेंज। यानी कि जो बादल होती हैं वो वहाँ के टेम्परेचर को डेली गिरा देती हैं। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ वन एंड टू ओनली, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट प्री हिस्टोरिक साइट डिस्कवर्ड इन इंडिया। इनमें कि प्री हिस्टोरिक साइट इनमें से कौन सा सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। तो उसका सही आंसर है डी, अतिरम्पक्कम। अतिरम्पक्कम आपका आता है चेन्नई के पास, यानी कि तमिलनाडु स्टेट में आता है, और ये पहला प्री हिस्टोरिक साइट है, इसको इंडिया में डिस्कवर किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट चरखा मेड ऑफ यूज प्लास्टिक वेस्ट इनाग्रेटेड ऑन द ईव ऑफ महात्मा गांधीज 150th बर्थ एनिवर्सरी। यानी कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा चरखा बना है जिसको वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल से, यानी कि जो कचड़े होते हैं उनसे बने हुए हैं, इसका इनाग्रेशन महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर हुआ था। तो ये कहाँ बना है आपको, ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, नोएडा। नोएडा में ये स्थित है और ये 1650 किलो का है। इसको इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री नहीं है, कौन है, स्मृति ईरानी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कंफर्ड विद द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर द पीएम्स एम्बिशियस पेट प्रोजेक्ट। जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मिला था बिल और मिलिंडा गेट्स से, फाउंडेशन से, मतलब इनके साथ मिलकर एक संधि की थी फॉर हिज एम्बिशियस पेट प्रोजेक्ट, यानी कि अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको बताने वो कौन सा प्रोजेक्ट था। तो इसका सही आंसर है बी, स्वच्छ भारत अभियान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द रेमिटेंसेज कमिंग टू इंडिया, इनमें से कौन से रेमिटेंसेज जो इंडिया में आती हैं उनमें इंक्लूड है, यानी कि उनमें मौजूद है, आपको बताना है। पहला है सैलरीज ब्रॉड टू इंडियाज रेसिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड टू इंडिया, यानी कि वो इंडियंस जो कि बाहर काम कर रहे हैं और उनकी सैलरीज इंडिया आ रही है। दूसरा, ट्रांसफ़र मेड बाई नॉन रेसिडेंट्स इंडियन टू इंडियन हाउस होल्ड, यानी कि जो भी लोग बाहर काम करते हैं वो अपने इंडिया में जो रह रहे हैं उनको पैसे भेजते हैं, वो रेमिटेंसेज में आते हैं। तीसरा, डिपॉजिट्स कैप्ट बाई नॉन रेसिडेंट इंडियंस इन इंडियन बैंक, यानी कि जो नॉन रेसिडेंट है यानी कि जो इंडिया में नहीं रहते बाहर रहते हैं तो उनके डिपॉजिट जो इंडिया के बैंक्स में रखे गए वो रेमिटेंसेज में आते हैं। या चौथा, प्रॉफिट ब्रॉट बाई इंडियन कंपनीज फ्रॉम इट्स ओवरसीज सब्सिडरी टू इंडिया, यानी कि जो भी कंपनी है वो प्रॉफिट कमाती हैं बाहर और वो इंडिया लाती हैं तो वो रेमिटेंसेज में आते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि कौन कौन से रेमिटेंसेज में आते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, वन एंड टू ओनली, यानी कि पहले ही दो हैं जो कि रेमिटेंसेज में इंक्लूड होते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एंड द सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952। सीबीएफसी और सिनेमाटोग्राफी एक्ट के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, सीबीएफसी में गिव फोर टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन विज यू, यानी कि अंडर एडल्ट, बी यू स्लैश ए है यानी कि जो अंडर एज है वो भी और जो एडल्ट है वो भी दे सकते हैं, और तीसरा है ए और एस। दूसरा है सीबीएफसी मे रिफ्यूज टू सर्टिफाई ए फिल्म, यानी कि सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन है वो किसी फिल्म को सर्टिफाई करने से मना भी कर सकता है। तीसरा है द सर्टिफिकेशन ग्रांटेड बाय द सीबीएफसी इज़ वैलिड फॉर 20 इयर्स, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन है अगर वो सर्टिफिकेट देता है तो सिर्फ 20 साल के लिए ही मान्य होता है। तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर ए, वन एंड टू ओनली, बाकी के जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो यू होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, यानी कि किसी भी तरह की पब्लिक को जो मना होती है कि इस तरह के पब्लिक को नहीं दिखा सकते वैसा नहीं है यू। दूसरा है पैरेंटल गाइडेंस, यानी कि यू स्लैश ये है वो पैरेंटल गाइडेंस, माता पिता के गाइडेंस से ही वो बच्चा मूवी देख सकता है। तीसरा है ए, रिस्ट्रिक्टेड टू अडल्ट ओनली, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स देख सकते हैं जो 18 ईयर्स के अबव है। और एस यानी कि रिस्ट्रिक्टेड टू सम स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन, यानी कि कुछ स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि फिल्में बनी हैं उनके अलावा दूसरा कोई देख नहीं सकता है, जिसका सर्टिफिकेशन वो सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड होता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजेज इकोनॉमिक ग्रोथ, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है। पहला है हायर सेविंग रेट, दूसरा है हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है हायर एक्सपोर्ट, और चौथा है हायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसका सही आंसर है डी, वन टू थ्री एंड फोर ओनली, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो संसद है उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, द फर्स्ट सीट ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द चेयर इन बोथ द हाउस ऑफ हाउसेज इज रिजर्व फॉर द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो पहला सीट होता है आगे का पार्लियामेंट में संसद में वो प्रधानमंत्री के लिए रिजर्व होता है। दूसरा, द फर्स्ट सीट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चेयर इन द हाउस इज रिजर्व फॉर द लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी कि जो बाएं साइड का सीट होता है पहला वो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता के लिए रिजर्व होता है। तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं।
कह रहा है कि जो पहला सीट होता है लीडर ऑफ द हाउस में यानी कि लोकसभा में, और दूसरा सीट राज्य सॉरी जो पहला सीट होता है लोकसभा में एंड सेकंड सीट इज़ फॉर प्राइम मिनिस्टर। राज्यसभा का पहला सीट जो होता है वो लीडर ऑफ द हाउस के लिए होता है और दूसरा सीट प्रधानमंत्री के लिए। वहीं जो पहला सीट ऑन लेफ्ट साइड होता है वो डिप्टी स्पीकर के लिए होता है यानी कि उप जो स्पीकर होते हैं उनके लिए, और जो दूसरा सीट होता है लीडर ऑफ अपोजिशन एंड विपक्ष के नेता के लिए होता है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन लीड टू अ सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, कौन सा इनमें से फैक्टर है जो कि सप्लाई साइड के इन्फ्लेशन को बढ़ा या घटा सकता है। तो पहला है इंक्रीज इन लोन्स प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स लीडिंग टू द हायर मनी सप्लाई, यानी जो कमर्शियल बैंक है अगर वो अपने लोन बढ़ा दे, अगर वो कर्जा बढ़ा दे देने लोगों को तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। दूसरा इंक्रीज इन वेजेस यानी लोगों के अगर मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाती है तो ड्यू टू हायर फूड प्राइसेस ड्यूरिंग अ ड्रॉट ईयर, अगर ड्रॉट ईयर में उनका मजदूरों के यानी कि सूखे के समय अगर मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दें तो उससे भी हमारी मनी सप्लाई सॉरी इन्फ्लेशन हमारी इफेक्ट होती है। तीसरा है इंक्रीज इन डिमांड फॉर द कंज्यूमर गुड्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ हायर इनकम, यानी जो ज़्यादा कमाने वाले लोग पैसे कमाने वाले लोग हैं अगर उनकी तरफ से सामान का डिमांड अगर बढ़ जाए तो उससे भी हमारी मनी सप्लाई इफेक्ट सॉरी इन्फ्लेशन इफेक्ट होता है। तो इसका सही आंसर है बी टू ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी कि GS पेपर 40 का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था वेयर आर शिवराय हिल्स लोकेटेड, यानी कि शिवराय हिल्स कहाँ स्थित है आपको बताना था। ऑप्शन था ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटका, सी केरला और डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर डी तमिलनाडु। ये द हाइट ऑफ द शिवराय हिल्स, शिवराय हिल्स की जो ऊंचाई है वो 4000 से 5000 फीट है सी लेवल से, और ये फेमस है यरकाडू हिल स्टेशन के लिए। आइए तो इसी के साथ हम आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि GS पेपर 41 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है ग्रीन प्रोटोकॉल फॉर वेडिंग समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज इम्प्लीमेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, जो ग्रीन प्रोटोकॉल है हाल ही में अपने अखबारों में पढ़ा होगा तो किस राज्य सरकार ने इसको लागू किया है आपको बताना है। पहला है ए कर्नाटका, बी है पंजाब, सी सिक्किम और डी केरला। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।